साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। और जो नए भक्तजन इस चैनल से जुड़े हैं उन सभी से निवेदन है कि कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हाँ माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके घर या आपके शरीर के ऊपर किसी भूत प्रेत मड़ी मसान का क्या साया है, उसको आप कैसे पहचानेंगे और उसके निवारण के लिए हनुमान जी का बालाजी का एक शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। और जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा और जो भी इसका भोग प्रसाद देगा वैष्णव रूप से, तो हनुमंत जी इन बुरी बलाओं से, बुरी आत्मा से, जो भी आपके घर में लगी हुई है और आपके शरीर के ऊपर लगी हुई है, तो पूर्ण रूप से निवारण करेंगे श्री हनुमंत जी। और जो भी भक्तजन बालाजी जाते हैं, सालासर जाते हैं, मेहंदीपुर जाते हैं, तो हनुमंत जी का, हनुमान जी का ये जो शावर मंत्र है उसका वह जाप कर सकते हैं। और जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा, अगर भोग प्रसाद देंगे तो पूर्ण रूप से हनुमान जी बालाजी महाराज आपकी भूत प्रेत की छाया से, जो भी आपके शरीर के ऊपर कोई लगी हुई है बुरी आत्मा और आपके घर के ऊपर लगी हुई है, तो पूर्ण रूप से आपकी सुरक्षा करेंगे श्री हनुमान बालाजी। और माता रानी के भक्तजनों, कई बार हमारे शरीर या हमारे घर के ऊपर बुरी आत्मा का साया होता है, हमारे ऊपर उनका पहरा होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। और जब हमारे घर में या हमारे शरीर के साथ बहुत सी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, तो उसके बाद हम जाते हैं तंत्रिकों के पास और साधकों के पास, और फिर हमें वह बताते हैं कि आपके ऊपर तो इतनी देर से बुरी आत्मा का साया लगा हुआ है, किसी भूत प्रेत की छाया है आपके शरीर के ऊपर या आपके घर के ऊपर, और उसके बाद हम उसका फिर निवारण करवाते हैं। लेकिन माता रानी के भक्तजनों, आज मैं जो भी आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप खुद ही पहचान सकेंगे कि आपके शरीर के ऊपर या फिर आपके घर के ऊपर भूत प्रेत जे मड़ी मसान का साया लगा हुआ है, इनकी आत्मा का आपके शरीर के ऊपर और आपके घर में इनका वास है, और इनको दूर करने का यह मैं आपको उपाय बताऊंगा, इसका भोग प्रसाद बताऊंगा और हनुमान जी का जय शक्तिशाली शावर मंत्र बताऊंगा। और हर भक्तजन इसका जाप कर सकता है घर के बने मंदिर में ही, इससे ये पूर्ण रूप से जो भी इस प्रकार की समस्या है उससे आपको निवारण मिलेगा इस विधि के अनुसार। अगर माता रानी के भक्तजनों, आप अपने घर में होते हैं, जब भी आप रात को सोते हैं, अगर आपको रात को सोते समय कोई बाहर से आवाज़ लगाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है, आपके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। और कई बार ये जो बुरी आत्मा का साया है हमारे को सोते हुए इस तरह से दबा लेते हैं कि हमें सब कुछ याद होता है, हम उठने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये जो भूत प्रेत मड़ी मसान का साया होता है, ये बुरी आत्मा होती है, हमारे को उठने नहीं देती, ये होते हैं बुरी आत्मा के साये। कई बार इसके अलावा हमारे को जब कोई बाहर से आवाज़ लगाता है तो हम गेट खोलने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो ये भी भूत प्रेत का एक तरह से दस्तक है, हमारे घर में उसका प्रवेश हो चुका है। और जिस व्यक्ति के ऊपर भी इस भूत प्रेत का साया हो जाए, इसकी आत्मा का आगमन हो जाए जिसके शरीर के ऊपर, तो उसका शरीर पूर्ण रूप से दरिद्री रहने लगता है और लंबी बीमारी से वह जूझने लगता है। दवाएं लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन दवाओं से भी किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं होता। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम किसी बुरी आत्मा की झपेट में आ चुके हैं।
और जिनके ऊपर इस बुरी आत्मा का साया होता है तो उनके शरीर के ऊपर, उनकी टांगों के ऊपर, उनकी बाहों के ऊपर नीले नीले धब्बे पड़ने लग जाते हैं। पहले तो ये लाइट होते हैं लेकिन बाद में ये डार्क रूप धारण कर लेते हैं और हमारा शरीर पूर्ण रूप से दरिद्री रहने लगता है। और जब हम घर के बने मंदिर में या कहीं बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सी तोड़ वासियां लग जाती हैं जब भी हम जाप के ऊपर बैठते हैं और हमारा शरीर पूर्ण रूप से टूटने लगता है। इसको कहते हैं बुरी आत्मा का साया। तो जिस व्यक्ति के ऊपर ये बुरी आत्मा, शैतानी आत्मा का ये साया हो जाए तो कई बार वह मंदिर मस्जिद में जाने से भी इनकार कर देता है। इसके लिए भक्त जनों, में आपको हनुमंत जी का ये शावर मंत्र बताऊंगा और इसका भोग प्रसाद बताऊंगा। इसका वो ये पूर्ण रूप से निवारण करेंगे हनुमंत जी अपनी शक्ति से, जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा। और जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा उसी विधि के अनुसार आप इनका भोग प्रसाद देंगे। हाँ माता रानी के भक्त जनों, यह जो बुरी आत्मा का साया है हमारे घर में जो प्रवेश करती हैं, किए कराए से भी ये बुरी आत्मा के साये हमारे घर में हमारे शरीर के ऊपर प्रवेश कर लेते हैं। इसके अलावा जब भी हम कहीं वार से गुजरते हैं, हमारा पांव किसी उतारे के ऊपर लग जाए या किसी ऐसा किसी ने कोई उतारा किया उससे ऊपर से हम चले जाएं, तब भी ये जो बुरी आत्मा का साया है हमारे शरीर के ऊपर लग जाता है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिनके घर में भी ये भूत प्रेत की बुरी आत्मा का साया है या किसी के शरीर के ऊपर ये साया है, तो आपने भक्तजनों क्या करना है, आपने अपने घर के बने मंदिर में देसी घी की जोत जगानी है हनुमान जी की, और दो चूरी की पिन्नी बनानी है। आपने गेहूं का आटे की चपाती बनाने के बाद उसमें गुड़ और देसी घी डालने के बाद दो आपने चूरी की पिन्नी बनानी है, और जोड़ा आपने लड्डुओं का लेना है। केसर वाले लड्डू भक्तजनों बाजार से मिल जाते हैं, और जोड़ा ही भक्तजनों आपने लोगों का लेना है। और यह जो सारा भोग प्रसाद है माता रानी के भक्तजनों, आप उपलों की आग की अंगियारी बनाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालें, और ये सारा भोग प्रसाद थोड़ा थोड़ी होती हैं उसके ऊपर आपने हनुमंत जी का भोग लगाना है। और इसके अलावा आप एक गड़बी में या एक गड़बे में आपने जल डाल लेना है, उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल डाल लें, और हनुमान जी का संधूर मिलता है बाजार से, उनका नाम लेकर हनुमंत जी का नाम लेकर एक चुटकी उस जल में आपने संधूर की डाल देनी है। और उसके बाद भक्त जी ने ये सारा भोग प्रसाद की होम लगाने के बाद उस जोत के ऊपर से सात बार वारें, उस जल को भी सात बार वारें और उसके पास रख दें। और उसके बाद आप जो मैं आपको जो शावर मंत्र बताऊंगा उसकी पांच माला या ग्यारह माला का आपने जाप करना है। हनुमान जी की आप चालीसा ही पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी भक्तजनों यह आप जाप कर सकते हैं। यह रात्रि के समय ही भक्तजनों आपने जाप करना है, जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद भक्तजनों आपने ये सारी विधि अपनानी है। और पांच माला या ग्यारह माला का जो जाप करने के बाद आपने भक्तजनों क्या करना है, यह जो जल है जिसमें सिंदूर डाला हुआ है इसको अंदर से बाहर को पूरे घर में आपने छीटा लगाना है, और यह जो अग्नि है जिसके ऊपर आपने आहुती डाली है उपलों की अंगियारी के ऊपर, इसको पूरे घर में थोड़ा सा और देसी घी डालने के बाद पूरे घर में होम के रूप में सारे घर में इसकी धुनी देनी है आपने। यह जो लड्डू और चूरी की पिन्नी है इनको पूरे घर का चक्कर लगाएं, एक और जिसके ऊपर भी किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत की छाया है उसके ऊपर जैसे ये सात बार वारें, और सात बार वारने के बाद या तो आप किसी बैल को डाल सकते हैं, बंदरों को इसको डाल सकते हैं भोग प्रसाद को, या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी इसको डाल सकते हैं। और यह जो क्रिया है आपने तीन दिन रेगुलर करनी है, इस विधि को आप अपनाते रहें। इससे जो आपके घर के ऊपर किसी भूत प्रेत मणि मसान की साया है उसने आपको बांध रखा है, तो पूर्ण रूप से हनुमान जी आपकी सुरक्षा करेंगे, श्री हनुमान बालाजी, जो भी इस विधि को अपनाएगा। और यह जो मैं आपको शावर मंत्र बता रहा हूँ इसका नित्य कर्म अनुसार आप अपने घर के बने मंदिर में आप जाप कर सकते हैं। और यह जो भोग प्रसाद है आप किसी भी मंगलवार को इसी विधि से देते रहें तो पूर्ण रूप से हनुमान जी आपके घर की
सुरक्षा करेंगे। और जो आपके शरीर के ऊपर कोई नील पड़े हुए हैं या आपके शरीर को कोई पकड़ है जकड़न है तो पूर्ण रूप से आपका शरीर शोधित हो जाएगा इस शावर मंत्र का जाप करने से और इस विधि अनुसार भोग प्रसाद देने से। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप जे हनुमान जी का, श्री बालाजी का, सालासर वालों का, मेहंदीपुर वालों का, हनुमान जी का नाम लेकर आपने इस शावर मंत्र का जाप आरंभ करना है। जय जो मैं आपको शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, पूर्ण रूप से शुद्ध होकर ही आप हनुमान जी का जय जाप करें। और स्त्री और पुरुष शुद्ध होने के बाद इनको दोनों ही इस शावर मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो मैं भक्तजनों आपको ये बताने जा रहा हूँ। सत नमो आदेश गुरु को, जय हनुमान वीर महान, चारों दिशाओं की शैतानी शक्तियों से रक्षा करे, आपका नाम महान, अगर रक्षा ना करो तो दुहाई माता सीता की, दुहाई माता अंजनी की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जय श्री हनुमान जी के इस शावर मंत्र में जो श्री राम जी का 3 बार नाम आता है, ये इस शावर मंत्र का संपट है। इससे ये जो मंत्र है इसकी शक्ति बढ़ेगी और यह आपकी और आपके घर की, आपके शरीर की पूर्ण रूप से सुरक्षा करेगा इस शावर मंत्र की शक्ति। जो भी विधि के अनुसार श्रद्धा से और नित्य कर्म अनुसार इसका जाप करता रहेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिनको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमें दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई विधि, एक नई साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।